हेलो दोस्तों, यदि आपको है हाथ पाँव में जलन, झुनझुनी होने का प्रॉब्लम या पैरास्थीसियाज होने का प्रॉब्लम, जिसे स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी सिम्टम्स बोला जाता है, यदि इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके परिवार में भी किसी को इस तरह का समस्या है तो ये टॉपिक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं जो स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी के सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को लेना चाहिए। यानी यदि आपके हाथ पाँव में जलन हो रही है, झुनझुनी हो रही है, कीड़ी काटने जैसा लगता है, चप्पल छूट जाती है, चलने में बैलेंस नहीं बनता है, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको हैं, हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा लगता है या बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कुछ भी यदि आपको होता है तो डेफिनेटली इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी के सिम्टम्स है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हो तो स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी के लिए आपको दवाएँ ज़रूर दी जाती है, खाद्य पदार्थों पर कभी बात नहीं की जाती है। तो आज का टॉपिक आप ज़रूर देखें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साइंटिफिकली करेक्ट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। इस मामले में सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स यानी का मतलब है कि कोई भी अनाज जिसका ऊपर का हस्क या ऊपर का जो फाइबर कंटेंट है वो निकाला नहीं गया। इस मामले में ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ली, क्विनवा, होल व्हीट ब्रेड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारे विटामिंस, मिनरल्स और फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करते हैं और नसों में मौजूद ये सूजन को कम करते हैं। इस टॉपिक के दौरान मल्टीपल टाइम्स हम आपको बहुत सारे ऐसे कैच पॉइंट्स बताएंगे कि आपके खाद्य पदार्थों को आपको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि ये जलन और झुनझुनी का प्रॉब्लम आपको ना हो। इसलिए टॉपिक को बीच बीच में से नहीं, पूरा एंड तक ज़रूर देखें, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे फल और सब्जियाँ जिसमें है एंटीऑक्सीडेंट तत्व, ये आपके स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी बॉडी में मौजूद सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल, जो कि चार्ज सेल्स होते हैं जो कि बॉडी को डैमेज करते हैं, ये इनका मार्कर होता है। तो जो भी सब्जियों में है एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि बेरीज यानी स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ऑरेंजेस यानी संतरा, कीवी, स्पिनाच यानी पालक, केल, ब्रोकोली, कैरेट्स यानी गाजर, बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च, ये सारे फल और सब्जियों में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये सारी सब्जियाँ अच्छी है यदि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो। इसके अलावा हेल्दी फैट्स जैसे कि एवोकाडोज, नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और बॉडी में मौजूद कहीं पर भी अगर कोई सूजन है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस मामले में आपकी मदद करते हैं, इसको आपको लेना चाहिए। इसके अलावा लीन प्रोटीन्स यानी फैट फ्री प्रोटीन, जैसे लीन मीट, पोल्ट्री है, फिश है, टोफू है जो कि सोयाबीन से बनाया जाता है, लेग्यूम्स हैं यानी दालें हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे ही आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं, नर्व्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं, नर्व्स में मौजूद अगर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है तो उसको भी कम करते हैं। तो ये लीन प्रोटीन्स आपको लेने चाहिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो भी सोर्स हैं, जैसे कि फैटी फिश, जैसे कि सैल्मन, मैकरल, ट्यूना, सार्डिन फिशेस, इसके अलावा फ्लैक्स सीड, शिया सीड्स और अखरोट, ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अच्छे सोर्सेज हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड किसी भी फॉर्म में जाता है तो शरीर के सूजन को कम करता है, तो ये नर्व के इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप विटामिन B12 से भरा हुआ कोई भी अगर सब्जी या फल लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, जैसे कि मीट, फिश, पोल्ट्री यानी चिकन वगैरह में, एग्स यानी अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध के प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ों में और कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स वगैरह में B12 का कंटेंट होता है। तो ये B12 का कंटेंट अगर आपको नर्व्स का इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए अच्छा है, ये नर्व्स की सूजन को कम करता है। इसी श्रृंखला में अगला है मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स। जिन खाद्य पदार्थों में मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स यानी दालें, होल ग्रेन्स और ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा होता है, तो ये मैग्नीशियम वाली चीज़ें आपके लिए मददगार हैं यदि आपको बॉडी में अगर नर्व्स इन्फ्लेमेशन का या सूजन का प्रॉब्लम है तो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स यानी वो खाद्य पदार्थ जिनको खाने के बाद आपकी शुगर वैल्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, ये भी आपके लिए अच्छे हैं यदि आपको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर वो खाद्य पदार्थ जो शुगर को बढ़ाते हैं, ज़्यादातर वो खाद्य पदार्थ जो डायबिटीज़ को बिगाड़ते हैं, वो आपके हाथ पांव के जलन और झुनझुनी के प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, इनको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है यदि आपको डायबिटीज़ है। और यदि डायबिटीज़ नहीं भी है, सिर्फ नसों में जलन का प्रॉब्लम है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। जो भी चीज़ आपको डायबिटीज़ को बिगाड़ेगी वो आपके नसों के प्रॉब्लम को बिगाड़ेगी। जो जो खाद्य पदार्थ डायबिटीज़ के लिए बुरे हैं वो सारे ही खाद्य पदार्थ आपके
पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स के लिए बुरे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट है जो आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि डायबिटीज़ के फूड प्रोडक्ट्स पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ किए, ये सारे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे ही खाद्य पदार्थ जो डायबिटीज़ के लिए अच्छे हैं, न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा पानी बहुत यूज़फुल है, पानी वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में यूज़फुल होता है, ज़्यादा मात्रा में पानी को लेने से वज़न भी कम करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करता है, हाथ पाँव में झुनझुनी या सुनपना का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा चीनी को कम रखिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखिए, जो भी खाद्य पदार्थों में चीनी या रिफाइंड मटेरियल ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, स्नैक्स है, डेजर्ट्स है, शुगर वाले बेवरेजेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सोडा है, ये सारे खाद्य और पेय पदार्थ आपके लिए अच्छे नहीं हैं। यदि आपको कोई भी तरह का पेरिफेरल न्यूरोपैथिक सिम्टम्स है, यदि डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी इनको अवॉइड करना चाहिए, डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली डायबिटीज़ को बिगाड़ेगा तो आपको अवॉइड करना ही करना है, लेकिन यदि नहीं भी है तो भी इनको अवॉइड करिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। अल्कोहल को अवॉइड करिए, अल्कोहल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। कैफीन को अवॉइड करिए, चाय कॉफ़ी में कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादातर कोई भी कैफीनेटेड ड्रिंक्स अगर आप लेते हो तो ये आपका कंपेरेटिवली पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को बिगाड़ेगा। इसके अलावा कुछ और यूज़फुल टिप्स पर भी बात करेंगे जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए अच्छे हैं, हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया है, वो भी आप ज़रूर चेकआउट करिए टिप्स फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, लेकिन आज इन जनरल थोड़ा सा इस बारे में भी और बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए, यदि वज़न ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ ज़्यादा होगा तो ओवरऑल पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड शुगर लेवल्स को प्रॉपरली मॉनिटर करते रहिए, चेक करते रहिए, और यदि वो बढ़ रहे हैं तो अर्ली डायबिटीज़ का मार्कर हो सकता है। यदि एक दो शुगर वैल्यूज नॉर्मल भी आई तो भी रेगुलरली चेक करते रहिए, क्योंकि काफ़ी चांसेस है कि डायबिटीज़ इसमें मिस हो सकता है और बाद में पता चले कि आपको प्री डायबिटीज़ था जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एडवांस डायबिटीज़ हो तो ही न्यूरोपैथी चालू, कई बार प्री डायबिटीज़ में भी हो जाता है, तो शुगर वैल्यूज़ को रेगुलर चेक करते रहिए। अगला यूज़फुल टिप है, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करने से सूजन कम होती है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से नसों में मौजूद इन्फ्लेमेशन या सूजन कंपैरेटिवली कम होता है, इससे भी आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी से रिलेटेड सिम्टम्स में फ़ायदा होगा और आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी। इसके अलावा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस कम करने से या अच्छी नींद लेने से, योगा प्राणायाम डीप ब्रीदिंग ये सब एक्सरसाइज करने से आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, आपका न्यूरोपैथिक पेन के सिम्टम्स कम होंगे, हाथों में जलन और झुंझुनी का प्रॉब्लम कम होगा, तो मेंटल स्ट्रेस को भी कम रखिए। जो भी कारण से मानसिक तनाव हो रहा है वो आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपका कंपेरेटिवली न्यूरोपैथिक सिम्टम्स बढ़ेंगे। यदि आपको स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत है तो इनको बंद करिए, स्मोकिंग करने से बॉडी में किसी भी फॉर्म में टोबैको जाने से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से नसें खराब होती हैं, जिसकी वजह से झुंझुनी और पैरेस्थीसिस का प्रॉब्लम बढ़ता है, तो स्मोकिंग और अल्कोहल को पूरी तरह से बंद करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है अच्छी नींद लेना, अच्छी नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। यदि अच्छी नींद आपको मिल रही है, स्लीप की क्वालिटी अच्छी है, तो आपका बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम बनेंगे, जिसकी वजह से आपका कंपेरेटिवली पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स कम होंगे। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि रेगुलर बेस पे मेडिसिन लेते रहिए। यदि आपको डायबिटीज या इस तरह का कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करिए। यदि आप उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, शुगर वैल्यूज़ का कंट्रोल नहीं करते हैं, डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को नहीं रोकते हैं, चाहे वज़न कम करके, फास्टिंग करके या कैसे भी करके, काफ़ी चांसेस है कि आपकी हेल्थ वैल्यूज़ बिगड़ सकती है, आपकी ओवरऑल कंडीशन बिगड़ सकती है और लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपकी न्यूरोपैथिक सिम्टम्स भले डायबिटीज़ है या नहीं है बिगड़ सकती है। तो जो भी मेडिसिन इस रिगार्ड में आपको चल रही है, चाहे वो न्यूरोपैथिक पेन के लिए चल रही है, डायबिटीज़ के चल रही है या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के लिए चल रही है, उनका विशेष ध्यान दीजिए और उनको रेगुलर बेस पे फॉलो करते रहिए, रेगुलर बेस पे डॉक्टर को दिखाते रहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं जो वो आपके लिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को ठीक करने वाले। इसके अलावा हमने कुछ यूज़फुल टिप्स पर भी बात करी जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स में, यानी हाथ पांव में जलन झुंझुनी वाले पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। आज के टॉपिक का टेक होम मैसेज ये है कि कोई भी चीज़ जो बॉडी के सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम कर रही है, बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम कर रही है, ये सारी चीज़ें अच्छी है। यदि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स है, जो भी चीज़ डायबिटीज़ के कंट्रोल को बिगाड़ेगी वो आपके ओवरऑल पेरिफेरल न्यूरोपैथी को भी बिगाड़ेगी, भले आपको डायबिटीज़ है या नहीं। जो फूड प्रोडक्ट्स डायबिटिक वाले पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है वो आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इस श्रृंखला में होल ग्रेन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फल और सब्जियां, हेल्दी फैट्स, लीन प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड प्रोडक्ट्स, B12 वाले फूड प्रोडक्ट्स, मैग्नीशियम से भरे फूड प्रोडक्ट्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड प्रोडक्ट्स और ज़्यादा मात्रा में पानी, ये सारी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। अल्कोहल अवॉइड करना है, चाय कॉफ़ी अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स को कम करना है, नींद अच्छी रखना है,
ये सारी चीज़ें आपकी मदद करेगी यदि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सिम्टम है, और ये सारी चीज़ों से आपको दवाइयों की ज़रूरत कंपेरेटिवली कम पड़ेगी। यदि फिर भी तकलीफ है तो डेफिनेटली मेडिसिन लेना पड़ेगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले सिम्टम्स के पेशेंट्स के लिए वर्स्ट फूड्स कौन से हैं और बेस्ट टिप्स कौन से हैं, ये भी हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियोज़ हैं, ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के यूजफुल और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। थैंक यू।